पूरी एकता, पूरी एकता समिति का अध्यक्ष रहा हूँ, तो इन सारी चीजों से मैं वाकिफ हूँ। ने वापस लिया तो ये मंडी शुल्क की व्यवस्था फिर से बहाल, सब आपकी महंगी हो जाएगी, तो समिति की डिमांड है कि ये मंडी शुल्क हटाया जाए। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है आज आड़त बाजार में, जहां पे प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति की ओर से मंडी शुल्क लगाए जाने और GST बढ़ाए जाने का विरोध किया जा रहा है। एक दिवसीय इन्होंने मार्केट बंद किया हुआ है, अलग अलग जगह के लोग यहाँ पे हैं और समिति के प्रदेश महामंत्री विनय गोयल जी हमारे साथ हैं। गोयल जी, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? देखिए, पिछले दिनों जो कृषि कानून लागू किए गए थे उस समय मंडी शुल्क की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लिया तो ये मंडी शुल्क की व्यवस्था फिर से बहाल हो गई है, जिसके कारण से व्यापारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और व्यापारियों की ये मांग है कि मंडी शुल्क समाप्त किया जाए, और चूंकि उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ों का कृषि उत्पाद के रूप में उपयोग नहीं होता है, वो हमारे यहाँ केवल बाहरी राज्यों से उपयोग के लिए आती हैं, उन पर मंडी शुल्क लगाया जाना उचित नहीं है। तो ये सारे विषय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी के सामने रखे हैं, उनसे हमने एक वार्ता का दौर किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी वार्ता होनी है। मुझे लगता है कि उनसे वार्ता के बाद निश्चित रूप से हम इसका समाधान निकाल लेंगे, और आज GST काउंसिल की मीटिंग भी संभावित है, मुझे लगता है कि GST से संबंधित कुछ विषयों का समाधान उसमें हो जाएगा। क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है, अगर नहीं मांगे मानी जाती है तो कहां तक ये पहुंच सकता है आंदोलन? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से व्यापारियों के साथ खड़ी है, जो भी विषय आएंगे उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कुछ ना कुछ समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। समिति के संयोजक राजेंद्र प्रसाद गोयल जी यहाँ पे है। गोयल जी, क्या कुछ कहना है आपका? हमारा कहना ये है कि जो मंडी शुल्क लगाया गया है इसको तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है, इससे सिर्फ व्यापारियों के साथ हैरेसमेंट ही होगा। और दूसरा ये है कि जो मंडी शुल्क लगाया जाता है, जो उत्तराखंड में कलेक्शन होता है, उसके कलेक्शन पे और जो खर्चा होता है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो लिहाजा उसको हटाया जाए और ना उसको पुनः न लगाया जाए। क्योंकि जब भारत सरकार ने, जब मोदी जी का आया था, एक राष्ट्र एक टैक्स लगाया जाएगा, एक बाज़ार बनेगा, उसी संदर्भ में माननीय मोदी जी ने इसको समाप्त भी किया था। अब किसानों के किसी आंदोलन की वजह से इसको दोबारा लगाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। समिति के गढ़वाल प्रभारी विनोद गोयल जी यहाँ पे हैं, क्या कुछ कहना है आप? लक्कड़ मंडी, देखिए, आज जो हम राजधानी देहरादून के व्यापारी आंदोलनरत हैं, हमारा विशेष रूप से विरोध मंडी शुल्क व्यवस्था को लेकर है। मंडी शुल्क जून 2020 में केंद्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था, परंतु न जाने किन कारणों से राज्य सरकार द्वारा अब पुनः मंडी शुल्क व्यापारियों पर आरोपित किया जा रहा है, जो कि प्रदेश के व्यापारी को स्वीकार्य नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह मुख्य रूप से यदि हम इसकी दरों के संबंध में चर्चा करें, मंडी शुल्क की दर आज 2.5% उत्तराखंड में निर्धारित की गई है, जो कि अत्यधिक दर है, और इससे बहुत सी वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं पर मंडी शुल्क है जो प्रदेश का कृषि उत्पाद है ही नहीं, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, किराना हो गया, मोटे अनाज हो गए, दाल दलहन, तेल तिलन, गुड़ शक्कर, ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे प्रदेश का उत्पाद ही नहीं है। मंडी शुल्क, हमारा कहना है मंडी शुल्क उस वस्तु पर लगना चाहिए जो प्रदेश का कृषि उत्पाद है, जो प्रदेश से बाहर का कृषि उत्पाद है उस पर मंडी शुल्क लिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि मंडी शुल्क जिस समय इंट्रोड्यूस किया गया था तो मंडी शुल्क की एक अवधारणा थी कि किसान पर, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाया जाए, इस वजह से मंडी शुल्क लिया लगाया गया था। जो वस्तुएं प्रदेश के बाहर से व्यापारी द्वारा क्रय कर उत्तराखंड राज्य में विक्रय के लिए लाई जा रही हैं, उस पर प्रदेश में मंडी शुल्क लिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही साथ
जैसे 2.5% की उच्च दर से मंडी शुल्क लिया जा रहा है। बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर 30-30 रुपए प्रति किलो तक की महंगाई हो जाएगी मंडी शुल्क लगने से, जैसे अखरोट हो गया, जैसे बादाम हो गया। ये हालांकि उपभोग विलासिता की वस्तुएं हैं, लेकिन जैसे मसाले हो गए, मसाले तो हमारे हर गृहिणी इस्तेमाल करती है, उन पर भी 10-10, 12-12 रुपए किलो तक की महंगाई होने जा रही है मंडी शुल्क लगने से। तो हमारा इस संबंध में भी विरोध है। इसके साथ ही जैसे मंडी शुल्क सरलीकरण की व्यवस्था हम चाहते हैं कि मंडी शुल्क की के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, व्यापारियों का उत्पीड़न। व्यापारी सुबह से शाम तक कागजी कार्रवाई में व्यस्त रहता है। यदि मंडी परिसर के बाहर कोई, मान लो मंडी, सब्जी मंडी, हम ये हमारा कृषि उत्पादन मंडी समिति का कार्यालय निरंजनपुर में है, और हमारा रायपुर का व्यापारी यदि कोई एक बोरी विक्रय करता है तो उसे विक्रय करने के लिए गेट पास बनवाने के लिए मंडी समिति जाना होगा, तब जाके वो अपने माल को शिपमेंट कर सकता है। इसी प्रकार से वो यदि माल क्रय करता है, क्रय करने की स्थिति में भी यही स्थिति आती है कि उसे प्रवेश पर्ची बनवाने के नाम पर प्रताड़ित किया जाता रहा है। तो मेरा इस संबंध में हमारे राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस मंडी शुल्क व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से समाप्त करें, और व्यापारियों की पीड़ा को समझते हुए इस निर्णय को तुरंत वापस ले। साथ ही साथ जैसा कि अभी 1 जनवरी 2022 से जूता व कपड़ा पर 5% GST के स्थान पर 12% GST लगाया गया है, उसका भी प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति कड़ा विरोध करती है, और साथ ही साथ प्रदेश सरकार से मांग करती है कि हमारे प्रदेश के व्यापारियों के हित में, क्योंकि अभी हम हाल फिलहाल ही कोरोना से उभरे हैं और हमारा व्यापारी पहले ही अपनी आजीविका को लेकर बहुत त्रस्त है, तो मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार हमारे व्यापारियों की पीड़ा को समझे और हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय ले, ऐसा मैं अपनी प्रदेश सरकार से। और अगर सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता तो क्या कुछ आगे आप लोगों की रणनीति रहेगी, क्या करेंगे आप? नहीं, इसको हम लंबा खींचेंगे जब तक ये मंडी शुल्क हटता नहीं, हम इस पर विरोध करते रहेंगे एकजुटता के साथ पूरी। और एक हमारा एक अनुरोध हो रहा है कि जो हमारा लकड़ी का व्यापार है, ये तो टिम्बर जो है ये मंडी शुल्क का है ही नहीं, ये जंगल का उत्पादन है, बाहर से भी जो लकड़ी आती है उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं मंडी शुल्क। क्या मतलब उसका, क्या मतलब इम्पोर्टेड लकड़ी है उसके भी मंडी शुल्क आप दे, पंजाब और हरियाणा में मंडी शुल्क है ही नहीं, तो यहाँ पर क्यों लगाया जा रहा है? ये देखिए ना, बहुत मतलब गलत। और ये मंडी उत्पादन है कहाँ से, बताओ कृषि उत्पादन कहाँ से है? ये तो आपका एक जंगलात का उत्पादन है, तो जंगलात वाले अपने टैक्स लेते हैं, सेल टैक्स है वोट आपका, तो इसका लगाने का कोई औचित्य नहीं। जैसा आपने अभी एक प्रश्न किया कि आप मतलब आगे की रूपरेखा क्या रहेगी, आज हमने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, और हम आगे भविष्य में यदि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो प्रदेश को भी बंद कराएंगे, और साथ ही साथ चुनाव का बहिष्कार करने की भी हम विचार करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और प्रदेश सरकार को हमारी बात को निश्चित रूप से विचार तो करना ही होगा और हमारे पक्ष में सकारात्मक निर्णय लेना होगा, ऐसी मुझे आशा है। मंडी शुल्क नहीं हटा तो मसालों से लेकर ड्राई फ्रूट्स तक भी महंगे हो जाएंगे, आम आदमी पे इसका सीधा असर पड़ेगा, दाल रोटी सब आपकी महंगी हो जाएगी। तो समिति की डिमांड है कि ये मंडी शुल्क हटाया जाए और GST जो है उसे ना बढ़ाया जाए उसके रेट्स को। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद।